ए की तुलना बी से करा रहा है, ए की तुलना बी से करा रहा है। अगर यही ए की तुलना बी से करा रहा है तो मुझे बताइए, आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जिसकी तुलना जिससे करा रहा है ना, जिससे भी हो रही है वो हमेशा नीचे होता है, जिससे तुलना की जा रही है वो हमेशा ना होता है नीचे। बताओ किससे की जा रही है तुलना, किससे की जा रही है, नीचे कौन है, अरे नीचे कौन है, तो ये क्या होगा बी, ये कितना होगा पांच, ठीक है। अगर ज्यादा के लिए बोला गया है कम के लिए बोला गया, अगर ज्यादा के लिए बोला गया ना तो ऊपर की जितनी संख्या उसको जोड़ दो, कम के लिए बोला गया तो घटा दो, कुछ नहीं बोला गया तो वैसे के वैसे लिख दो। मैं क्या बोल रहा हूँ, ज्यादा के लिए बोला गया है तो जोड़ दो, कम के लिए बोला गया है तो घटा दो, कुछ नहीं बोला गया तो वैसे के वैसे लिख दो। अब ज्यादा के लिए बोला गया तो बोलो पांच में कितना जोड़ोगे, कितनी हो जाएगी सात, या तो सिंपल था ऐसे 33 से ही 1/3% आ जाए तो 1/3, तो ये कितना हो जाएगा 3, तो ये कितना हो जाएगा 4, आ गया ना आसानी से 4। कितना आसान पड़ा, सिंपल सा, कितना ही आसान। आपसे बोलते 37.5%, 37.5% 3/3, उस कंडीशन में ये कितना 8, ये कितना 11, और इसको सोल्व करोगे तो दिन रात लगा के 48 घंटे लग जाएंगे, सेवा देख रही है, समझे इसी में मतलब। परसेंटेज आने तो टाइम डबल के बाद परसेंटेज पड़ेगा, पहले पूरी चीज सीखोगे कि कैसे कितनी हार्ड कैलकुलेशन हो बहुत कम टाइम में सॉल्व कर दी जाती है। चलो एक छोटी सी चीज बताओ मुझे, 100% में से 6 से 2/3% घटाओ कितना आएगा, माइनस करो, 100% में से 6 से 2/3% माइनस करो आते ही कितना टाइम लगाओगे, दिन रात एक मिनट का फील है, सौ में से कितना माइनस करना है आपको, छह से ही दो बटा तीन परसेंट, छह माइनस करना है, छह से थोड़ा ज्यादा माइनस करना है, थोड़ा सा ही ज्यादा, छह से थोड़ा ज्यादा माइनस करना है तो आप पूरा पूरा सात माइनस करो, कितना आएगा, बट्टे में क्या है, ये इसका आंसर है। सौ में से इसको बताएंगे जब आ जाए करना है से 1/3%, बाकी परसेंटेज में पढ़ेंगे जब कोई चीज सिखाऊंगा तो टाइम एंड वर्क में आ गई थी तो पहुंच जाते हैं कह रहे हैं।